हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और सबसे पहले तो आप सभी को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंटर में ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हम बेबी को दे सकते हैं। होता क्या है कि विंटर में वैसे भी वेदर ठंडा होता है और ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं वो उनकी तासीर ठंडी होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बच्चे को फ्रूट्स दे या ना दे, और ऐसे में कई बार हम फ्रूट्स अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि ज़्यादातर बच्चे बीमार विंटर में ही पड़ते हैं, कोल्ड कफ वायरल फीवर फ्लू जैसी बड़ी बीमारियाँ अक्सर बच्चों को विंटर में ही होते हैं, तो बच्चे को इम्यूनिटी बूस्टर फूड देना बहुत ज़रूरी है। और सारे फ्रूट्स मोस्टली जो विंटर में मिलते हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो बच्चे को हमें विंटर में खास तौर से देने चाहिए, तो उसमें मैं बात करूँ तो सबसे पहले फ्रूट की मैं बात करूँ तो वो है ऑरेंज। जैसे कि हमको पता है कि विंटर में बहुत अच्छे ऑरेंज मिलते हैं, ऑरेंज में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिंस होते हैं, और ऑरेंज जो होता है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो उसमें से इम्यूनिटी, वो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ ही साथ वो बच्चे के स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बच्चे की डाइट में हमें ऑरेंज ज़रूर से ऐड करना चाहिए। उसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो बच्चे को डाइजेशन और डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका मैच्योर होता है। अब होता क्या है कि ऑरेंज थोड़ा ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो हमें लगता है कि बच्चे को कोल्ड कफ हो जाएगा और हम अवॉइड करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बच्चे को ब्रेकफास्ट या तो फिर ब्रंच तक उसे दे दीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को 2 बजे से पहले ऑरेंजेस दे दीजिए, बट आप उसके डाइट में ज़रूर से दें। एज अ प्योरी रस बना के आप बच्चे को दे सकते हैं, और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उसको थोड़ा सा पील करके उसके अंदर से बीज निकाल के बच्चे को दे, बट ज़रूर से बच्चे को ऑरेंजेस दे। दूसरा जो फ्रूट है वो है कीवी। कीवी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, प्लस इसका टेस्ट बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चा इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। प्लस ये हार्ट की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, तो बच्चे को कीवी ज़रूर से दे। कीवी को आप प्योरी फॉर्म में दे सकते हो, या फिर किसी भी हलवे में मिक्स करके दे सकते हो, या फिर बच्चे बड़े हैं तो आप इसके छोटे छोटे क्यूब्स करके भी बच्चे को दे सकते हो। इसके पास जो थर्ड फ्रूट है वो है स्ट्रॉबेरीज। अगेन स्ट्रॉबेरी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इम्यूनिटी बूस्ट तो करते ही है, बैक्टीरियाज वगैरह है तो उसको किल करने में हेल्प करता है, प्लस हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो स्ट्रॉबेरीज भी बच्चों को ज़रूर से दे। आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, प्योरी बना के दे सकते हो, बड़े बच्चों को तो आप ऐसे भी दे सकते हो, इसके हेल्दी कोई भी शेक बना के दे सकते हो। हर चीज़ें स्ट्रॉबेरीज के साथ बहुत अच्छे से बनती है, बहुत हेल्दी ऑप्शन हो जाता है बच्चों के लिए, तो आप बच्चों को स्ट्रॉबेरी भी ज़रूर से दे। फोर्थ जो है वो है चीकू। चीकू बहुत अच्छा होता है, एनर्जी बहुत देता है बच्चों को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ चीकू बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को भी हेल्प करता है। अब होता क्या है, चीकू की तासीर थोड़ी सी गर्म है, तो हो सकता है किसी किसी बच्चों को इससे लूज मोशन हो जाए, तो आप तुरंत से ज़्यादा क्वान्टिटी में बच्चों को चीकू ना दे दे, लिटिल बाय लिटिल इसकी क्वान्टिटी बढ़ाए, और फिर आपको लगे कि बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में दे, वरना तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे खुद के बेटे को चीकू की एलर्जी है, उसे तुरंत से लूज मोशन हो जाता है, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दे, बट दे ज़रूर से। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रूट है वो है एप्पल। एप्पल तो हर सीजन का फ्रूट है, बट वेराइटी ऑफ एप्पल विंटर में मिलते हैं, तो हमें विंटर में ज़रूर से बच्चों को एप्पल देना चाहिए। एप्पल में हर तरह के विटामिंस, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ होता है, एंड मेन तो एप्पल के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो हर कोई बीमारी को हील करने में बहुत ही फायदा करती है, तो एप्पल ज़रूर से दे। एप्पल की प्योरी बना के दे सकते हो, एप्पल की प्योरी को आप किसी भी हलवे में या तो फिर पैनकेक्स में डाल के दे सकते हो, या तो फिर आप एप्पल शेक बना के दे सकते हो, या एप्पल सॉस बना सकते हो, एप्पल टार्ट बना के बच्चों को दे सकते हो। अगर बच्चे बड़े हैं तो आप उसे ऐसे ही दे दो पील करके, लेकिन किसी भी फॉर्म में ज़रूर से बच्चे को एप्पल भी दो। इसके बाद नेक्स्ट जो फ्रूट है वो है बनाना। बनाना अगेन ऑल सीजन फ्रूट है, इसे तो बच्चों के डाइट में ज़रूर से ऐड करना चाहिए, क्योंकि बनाना के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, एनर्जी सब कुछ ही है। जो बनाना है वो बच्चे को वेट गेनिंग में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, एनर्जी देता है,
तो बनाना तो बच्चे के डाइट में हर सीजन में ऐड करना ही है। अब होता क्या है कि बनाना देने से बच्चों को कई बार कफ हो जाता है ऐसा, मतलब लेट से दो तो हो जाता है, तो अगेन आप इसको दो से ज़्यादा 4 बजे से पहले दे दो तो कफ वगैरह नहीं होगा। और अगर 1 साल से बच्चा आपका बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे को आप जो कुछ भी बना के दे सकते, जो कुछ बना के दे रहे हो, जैसे कि आप उससे स्मूदीज बना के दे रहे हो, पैनकेक्स बना के दे रहे हो, तो उसके अंदर 1 स्पून हनी का डाल दो। हनी क्या करता है, कोल्ड कफ को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है, तो एक बैलेंस डाइट मिल जाएगा बच्चे को, तो उससे कफ भी नहीं होगा और बनाना भी बच्चे के पेट में चले जाएगा। तो 1 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसे बनाना में हनी डाल के जरूर से दीजिए, इससे कोल्ड कफ बच्चे को नहीं होगा। नेक्स्ट जो फ्रूट है वो है ग्रेप्स, अगेन विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो बच्चे को बैक्टीरिया के सामने फाइट करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद ये ब्लड को प्योरीफाई करने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ ये बॉडी में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स है उसे भी निकालने में हेल्प करता है, तो इसे भी बच्चे के डाइट में ज़रूर से ऐड करनी चाहिए। ग्रेप्स थोड़ी सी ठंडी होती है तो उसे आप ट्राई करें कि ब्रंच तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे के पहले आप बच्चे को दे दें। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रूट है वो है पोमोग्रेनेट, अगेन पोमोग्रेनेट एक बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बच्चे के पेट में जो वॉर्म्स होते हैं उसे किल करता है, फीवर अगर बच्चे को हो गया है तो उससे ठीक करता है, बच्चे को अगर लूज मोशन लग गया है तो उसे ठीक करता है, और इन्फेक्शन के सामने भी बच्चे को फाइट करने में हेल्प करता है। और जो बच्चे पोमोग्रेनेट खाते हैं उन्हें कभी भी खून की कमी यानी कि उन्हें अनीमिया नहीं होता है। तो ये सारे फ्रूट और इसके साथ और भी पैर, पपैया, जो कोई सीजनल फ्रूट्स है आप ज़रूर से बच्चे को दें, लेकिन ये मस्ट फ्रूट्स है जो बच्चे को विंटर में देने ही चाहिए, इससे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होगी और बच्चे को कोल्ड कफ, कोई भी तरह का वायरल फीवर या फ्लू बच्चे को नहीं लगेगा। और इन सभी फ्रूट्स की प्योरीज ऑलरेडी मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे शेयर कर दी है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से करिएगा और इसे और भी पेरेंट्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली जंक्शन।